बिहार में तो लोग कॉलेज पढ़ने के लिए जाते ही नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन इसलिए लेते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, अपीयर हो सकें बेसिक क्वालिफिकेशन के लिए। कहा जाता है कि बैंक का फॉर्म भरना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं। इसीलिए कॉलेज में टीचर हैं कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, सरकार कितना फंड दे रही है, ये स्टूडेंट के सामने कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके सामने एक ही क्वेश्चन है, दिन रात कंपटीशन की तैयारी करनी है। प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए जो पत्रिकाएं मिलती हैं बाज़ार में उसको ख़रीदना है, अलग अलग तरीके का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और 200 सीट है तो 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं कि कहीं उस 200 में से एक सीट ही तो मुझे लेनी है। ये क्राइसिस इसलिए मैं वहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ थे और आप लोगों की लेजिटिमेसी थी दिल्ली की सिविल सोसाइटी में। आप लोग जब बाहर निकलते थे तो लोग आपको जानते थे कि ये फलाने प्रोफेसर साहब हैं, ये फलाने प्रोफेसर साहब हैं। हमारे यहाँ लोग प्रोफेसर को नहीं पहचानते, हमारे यहाँ लोग गुंडा को जानते हैं कि ये 5 बार जेल गया है, 10 मर्डर किया है, इसका जो है 200 ट्रक चलता है, इसका 500 बस चलता है। और उस गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में यदि कोई प्रोफेसर बैठा हो, मिलिए, ये हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब और चाय लेंगे क्या, जरा जाइए उठ के चाय ले लीजिए, ये प्रोफेसर साहब की समाज में इज्जत है। ये हुआ कैसे, ये कैसे शुरू हो गया? और मैं इसका पूरा दोष जो है वो भाजपा पे नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसका पूरा दोष जो है वो मोदी जी पे नहीं देना चाहता हूँ। हम सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से एफिलिएशन रखते हों, पहला दोष उनका है। एक रेजोल्यूशन चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो या समाजवादी पार्टी हो, मुझे एजुकेशन पे दिखा दीजिए, एजुकेशन के बजट के बारे में दिखा दीजिए, कितना फंड एलोकेट होगा उस पर दिखा दीजिए, टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए उस पर दिखा दीजिए। आखिर समाज का ये अप्रोच बदला कैसे? जिन सवालों को आज मैं फेस कर रहा हूँ, आप सब फेस कर रहे हैं, या रोहित बेमुला को फेस करना पड़ा, बात यहाँ तक आई कैसे? ये कब हो गया कि पढ़ना गलत है? ये कब हो गया कि आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है इसलिए आप मत पढ़िए? ये कब हो गया कि आप पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है? ये कब हो गया कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप 30 वर्ष के होकर के JNU में PhD कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, वहाँ 16 वर्ष के बच्चे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत रहे हैं, ये कैसे हो गया? इस लिहाज से तो इस देश के सभी लीडरों को 23 वर्ष की उम्र में पहुँचते पहुँचते फांसी पर चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह तो 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। कैसे हो गया जब आपसे कोई पूछता है ट्रेन में कि क्या करते हैं और आप कहते हैं कि PhD करते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ये कैसे हुआ कि साइकिल पर चलने वाला एक ईमानदार टीचर, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसको अपने बच्चे के डोनेशन के लिए कर्ज पे, ब्याज पे कर्जा लेना पड़ा और अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने के लिए वो भेजा, जबकि वो टीचर है, वो जानता है कि उसका बच्चा इंजीनियरिंग अच्छा नहीं कर सकता है, उसका गणित कमज़ोर है, फिर भी वो उसको इंजीनियर बनाने के लिए क्यों भेजा? कि उसको पता था कि इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी और इसका ब्याह नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। ये हुआ कैसे? फिर उसको अफसोस होने लगा अपनी उस नैतिकता पे कि मेरे पास ये साइकिल क्यों है, मैंने चोरी क्यों नहीं कर ली, मैंने स्कूल का बेंच क्यों नहीं बेच डाला, क्यों नहीं मैं भी किसी ठेकेदार के साथ उसका भाषण लिखता और जब वो MLA बन जाता तो मैं उसका PS बन जाता। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब शिक्षा अपने आप में एक राजनीतिक सवाल है और हम इसको राजनीति के तौर पे लेना बंद कर देते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा राजनीति का एक सवाल है और ये आज नहीं है, ये महाभारत के दौर में भी था। ये कौन तय किया कि एकलव्य धनुष चलाने नहीं सीखेगा और अर्जुन सीखेगा? ये कौन तय किया? ये तो जो दरबार था धृतराष्ट्र का,
उसमें जो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, वो जो 10-12 लोगों की टीम थी, उसने ही तय किया ना कि नहीं पढ़ने दिया जाएगा, धनुष सबको नहीं चलाना है। उस वक्त विद्या के नाम पे धनुष चलाना ही सिखाया जाता था। ऐसा नहीं था कि पांडवों और कौरवों की सेना में सिर्फ क्षत्रिय ही थे, दूसरी जाति के भी लोग थे, भील समुदाय के लोग भी थे, वो भी तो धनुष चलाने के लिए सीखते होंगे, लेकिन द्रोणाचार्य से धनुष एकलव्य चलाने के लिए नहीं सीख सकता है। इस बात को समझिए कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दरवाजे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ बंद किए गए, कभी कास्ट के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, जानबूझ करके डेलिबरेटली उसको बंद किया गया। और जब वो आम लोगों के लिए बंद हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब आम लोगों ने भी हमारी परवाह करना बंद कर दिया, बोला भाड़ में जाओ। अगर हम अपने बच्चे को न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेज दें तो हमको फ़र्क पड़ता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? अगर हम अपने परिवार के लोगों के, मेरे पास पैसा है, उसको हम किसी महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दें तो हमको फ़र्क पड़ता है कि जो दिल्ली सरकार स्कूल चला रही है वहाँ पर बेंच है कि नहीं है? सबसे पहले इस देश के इलीट लोगों ने, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को भेजना बंद किया। और पब्लिक एजुकेशन का डिस्ट्रॉय होना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन था। ये बात की बहस होनी बंद हो गई कि इस देश में बजट का कितना हिस्सा खर्च किया जाएगा। जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था तो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, 2 नारे मुझे आज भी याद हैं। कहा जा रहा था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। कहा जा रहा था, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू करो। आज कहा जा रहा है कि क्यों पढ़ रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो। यह बहस यहाँ तक आई कैसे? मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन है। स्टेट अपनी लेजिटिमेसी के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी की लेजिटिमेसी के लिए शिक्षा को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर सचमुच हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि आज एजुकेशन के ऊपर अटैक है, वो अटैक मैं 3 फॉर्म में देखता हूँ। पहला, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ भी जब चर्चा होगी तो ज़्यादातर चर्चा जो है वो JNU, DU और जामिया का ही होगा। बिहार के किसी सुदूर कॉलेज में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिब्यूनल में कम से कम वो सुदूर आवाज़ जो दिल्ली नहीं पहुँच पा रही है उसकी भी चर्चा हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये वही मेथड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से नीरव मोदी को कर्जा दे करके उसको उरन छू कर देंगे और कहेंगे क्या, निजीकरण बहुत अच्छा होता है। JNU के पैसे से हमारे बगल में एक हॉस्पिटल है रॉकलैंड, वो चलता है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया, एक एक कर्मचारी, एक एक टीचर का बिल जो है कई बार 20-25 लाख रुपये में पहुँच जाता है। उनका इलाज जो है किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। ये जो रूट किया जाता है फंड को इधर से उधर, हमारे यहाँ देहाती में एक भाषा कहते हैं कि इस कोठी का धान उस कोठी में डालना, यही एक ही पब्लिक का पैसा है जो इधर से उधर करते रहते हैं। और उसमें एक हम नैरेटिव बनाते हैं कि अगर संस्थान प्राइवेट होगा तो बड़ा अच्छा होगा। और मैं कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब लोग नहीं देते हैं। सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आज भी IIT क्यों है? सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आज भी JNU क्यों है? और कोई भी आदमी बीमार होता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इलाज कराने के लिए MC क्यों जाता है? ये सारे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं। ये नैरेटिव बनाएगा समाज में कि SBI के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ICICI के कर्मचारी बहुत काम करते हैं, इतना काम किए हैं कि सारा पैसा जो है अपने पति के माध्यम से एक बिजनेसमैन को दे दिए हैं। ये जो एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव में आज ये कहा जा रहा है कि शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है, आपको अगर लेना है तो आप लीजिए, आपकी जितनी क्षमता है आप ले लीजिए, शिक्षा देना सरकार का कोई काम नहीं है। और इस लिहाज से कई तरह के शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, कई तरह के। एक शिक्षा संस्थान है जहाँ LKG का डोनेशन फीस जो है 2.5 लाख रुपया है,
बच्चे का नहीं उसका बाप का इंटरव्यू लिया जाता है कि उसकी अंग्रेजी कैसी है, नहीं तो उस स्कूल का माहौल ख़राब हो जाएगा। अगर किसी कबाड़ी वाला का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने आ जाएगा तो उसके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे जो है भारत की भाषाओं को तो छोड़ दिया जाए, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच भी पढ़ाया जाता है, और एक वैसा स्कूल है जहाँ भोजपुरी भी नहीं सिखाया जाता है। कई तरह के जो है मल्टी लेवल स्कूल्स चल रहे हैं। और तीसरा है, मैं सेफ्रोनाइजेशन नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवा रंग जो है ये विवेकानंद की तरह अपना लें, इसलिए मैं कहता हूँ कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले अनसाइंटिफिक चीज़ों को प्रचारित किया जाए। देर आर ऑनरेबल जज, एक जज साहब हैं, क्या कहें, कहते हैं कि मोर जो है मोरनी के आँख में आंसू डाल देता है इससे उसको बच्चा हो जाता है, ये जज बोल रहे हैं देश के, और ये प्रचारित हो रहा है। शिक्षा मंत्री कहता है कि डार्विन का सिद्धांत गलत था। देश के मंत्री कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टाइन का है वो वेद से लिया गया है। ऐसी बातें खुलेआम प्रचारित की जा रही है, कोई रेशनल सवाल जो है उस पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। एक एक करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रॉय किया गया है ताकि भारत के अंदर समाज सेकुलर है कि नहीं है इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सिलेबस जरूर सेकुलर था। और सिलेबस सेकुलर था इसीलिए उस सेकुलर सिलेबस को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो असर हो ही जाता था ना स्टूडेंट पे। परीक्षा पास करने के लिए अगर इतिहास का 2 अध्याय पढ़ लिए हैं तो ये पता है कि घोड़ा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, इतनी बात समझ में आती थी। ये पता है कि उस ज़माने में हिंदू भी गाय मांस खाते थे। ये पता है कि अकबर ने दीने इलाही चलाया। ये पता है कि जब ईरान में सिया रिजिम आया तो अकबर ने कहा कि मैं उसको पूछा कि तुम कौन से मुसलमान हो, बोला मैं हिंदुस्तानी हूँ। यह पता है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें तानसेन हैं, बिरबल हैं। ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को बदलना एक प्राइमरी टास्क है। तो जो तीसरा अटैक है वो है कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और जो अभी ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, इसका तो वही मामला है कि सुबह में अगर आप फेसबुक पोस्ट किए हैं तो आप रात को सोने तक चेक करते हैं कि कितना लाइक आया है, और आदमी को उसकी क्वालिटी पे नहीं, उसका फॉलोवर कितना है इस हिसाब से उसको जज करते हैं। ये जो मानसिकता बनी है रेटिंग वाली, ये रेटिंग वाली मानसिकता एक्चुअली एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी स्कूल में गाय का दूध कैसे निकाला जाता है ये सिखाया जाता हो, तो क्या वो शिक्षा का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम नॉलेज नहीं कहेंगे? ये रेटिंग वाली मानसिकता दरअसल इसलिए है कि सेल्फ फिनांस मॉडल पे कॉलेज को भेजना है। जब पता चलेगा कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है तब कहेगी सरकार आप तो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं तो आपके यहाँ बेस्ट स्टूडेंट आएंगे, तो बेस्ट स्टूडेंट के माँ बाप भी बेस्ट होंगे, इसलिए उनसे बेस्ट फीक लेकर के जो है आप स्कूल चलाइए, और स्कूल में कॉलेज में सबको आना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये रेटिंग वाली मानसिकता लाई गई है ताकि एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में बेचा जा सके। आखिरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ये अस्पष्ट मत है, ट्रिब्यूनल के लोगों के सामने भी कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, JNU को बचाने की लड़ाई, शिक्षा को बचाने की लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जाएगी। जब तक बिहार के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के गांव में बैठे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि JNU क्या करता है, जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बेटा JNU जैसे रैंकिंग पे बात कर लेते हैं अभी क्योंकि रैंकिंग वाली मानसिकता है, देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है 120 रुपये में, और उस पढ़ने की लड़ाई को यदि वो लड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण भी दे सकता है, ये बात जब उसको लग जाएगा या जब सामाजिक सरोकार उसके साथ स्थापित हो जाएगा तभी शिक्षा को बचाया जा सकता है। और यह जो काम है, मैं पॉलिटिकली इसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे देखता हूँ, ये प्रेशर इतना होना चाहिए लेफ्ट राइट सेंटर के ऊपर कि कम से कम अगला जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो हो उसमें वो शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे ये क्लियर कट बात वो लिख सकें। जब तक ये नहीं बनेगा, शिक्षा के ऊपर जो अटैक है ये अटैक रुकेगा नहीं, क्योंकि ये अटैक एक तरफा नहीं है, दो तरफा अटैक है। एक तरफ
बाजार का, प्राइवेटाइजेशन का, सेंट्रलाइजेशन का अटैक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जे ई न्यू समझ रहे हैं, बसंत कुंज का जगह, 1000 एकड़ जमीन, वहाँ तो 100 गज जमीन खरीदने में जो है लोगों की पूरी कमाई चली जाए। तो वो जो 1000 एकड़ जमीन है उसको देख करके जो है मॉल बनाने वाला जब गुजरता होगा BMW लेकर के, तो नहीं सोचता होगा कि काश ये जमीन मिल जाती तो यहाँ एक मॉल खड़ा कर देते। इस देश के तमाम प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक हजारों एकड़ जमीन है, और जो ये जमीन है उस जमीन पे बाजार पे कब्जा जमाए बैठे जो गिद्ध हैं उनकी नज़र है। वो चाहते हैं कि ऐसा माहौल तैयार करो कि ये संस्थान बंद हो जाएं और इनकी ज़मीनों को उनके हाथों में बेच दिया जाए। ज़रूरी भी नहीं है, सबको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, पहले ही हम लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, पढ़ना ज़रूरी है नहीं, पढ़ते इसलिए हैं कि नौकरी लेना है। तो नौकरी यदि 10वीं पास करने के बाद ही मिल जाएगी तो फिर PhD करने का ज़रूरत है नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D उसका इम्पोर्टेंस इस देश में है नहीं। हम चाइना से एप्पल खरीद लेंगे, हम जो है कंप्यूटर कहीं और से ले आएंगे, भारत में कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, भारत में अपना इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल फिलोसोफर होंगे, अमेरिकन हिस्टोरियन होंगे, जो फ्रेंच स्कॉलर होंगे, वो क्या इंडिया के बारे में लिखते हैं वही पढ़ लेंगे। अब सबसे मज़ेदार बात है कि नहीं है, जेफर लॉर्ड जो है वो इंडिया के बारे में लिखते हैं, क्यों? 125 करोड़ लोगों को इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कितना क्रेज है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, होना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल नहीं है, भारत में जब इतिहास लेखन की परंपरा जिसको मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं उसमें लोगों ने काम करना शुरू किया, तो रामशरण शर्मा इंटरनेशनली जो हिस्ट्री का इंस्टीट्यूट था, जो संस्थान था, उसके वो अध्यक्ष बने। हम भी कर सकते हैं। सवाल है कि शिक्षा को महत्व दिया जाए, शिक्षा बाजार में खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है, शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है, और शिक्षा एक राजनीतिक सवाल है, और इस राजनीतिक सवाल को जनता के बीच ले जाना ज़रूरी है, तभी इस अटैक को हम बचा सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकल करके वहाँ भी पहुँचे जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। बहुत बहुत धन्यवाद।